टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अक्सर ही अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। श्वेता तिवारी का एक्स हस्बैंड अभिनव कोहली संग झगड़ा जग जाहिर है। दोनों के बीच बेटे रियांश की कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसे श्वेता ने हाल ही में जीता। कोर्ट ने उन्हें बेटे की कस्टडी दी है। कोर्ट के फैसले से एक्ट्रेस बहुत खुश है। वहीं अब कस्टडी मिलते ही श्वेता बेटे संग वेकेशन पर भी निकल गई है। जी हाँ, हाल ही में श्वेता के बेटे रियांश संग मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें देखा गया और इस दौरान मां बेटी की ट्विनिंग भी दिखी। आपको बता दें कि लुक की बात करें तो श्वेता व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ पिंक शर्ट और ब्लू डेनिम में स्टनिंग दिख रही थी, वहीं रियांश पिंक टी शर्ट और जींस में क्यूट दिख रहे थे। बेटे का हाथ थाम श्वेता ने एयरपोर्ट पर कई पोज दिए। फैंस तो श्वेता के बेटे संग इन तस्वीरों को बहुत पसंद कर रही है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अभिनव अपने बेटे रियांश से 2 साल तक हफ्ते में एक बार श्वेता तिवारी की बिल्डिंग एरिया में ही मिल सकते हैं। इस दौरान श्वेता या दूसरे फैमिली मेंबर का वहां मौजूद रहना बहुत जरूरी है। कोर्ट के फैसले से संतुष्ट श्वेता तिवारी ने कहा है कि मैं यही चाहती थी। इन 2 सालों में मैं जहां भी गई, अभिनव ने मुझे फॉलो किया और हंगामा क्रिएट किया। ये रियांश और मेरे लिए परेशान करने वाली चीज थी। अभिनव कभी भी मेरे दरवाजे पर आकर सीन क्रिएट कर देते थे। मैंने कभी रियांश और अभिनव को बात करने से नहीं रोका, लेकिन मुझ पर गलत आरोप लगाए गए हैं। श्वेता तिवारी और अभिनव ने साल 2013 में शादी रचाई थी। शादी के पहले दोनों 3 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे। 2016 में श्वेता ने रियांश को जन्म दिया था और उसके 1-8 साल बाद ही उनकी शादी में विवाद होना शुरू हो गया। साल 2019 में श्वेता ने अभिनव के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया और अभिनव संग श्वेता की ये दूसरी शादी थी। तो क्या कहना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट। हेलो, मैम यहाँ पे मैम यो मैम यो मैम सामने यो मैम यो 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 बाय। बाय मैम। Bye, Ryan. Bye, Ryan.